वेलकम बैक टू माय स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेट शीट को लेकर। जी हाँ, काफी दिनों से लगातार कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। काफी सारे बच्चे मेरे पास कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम या सर ये बताइए हम लोग की डेट शीट कब आएगी, हमारे एग्जाम कब होने वाले हैं और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर के जाएं। और कुछ बच्चों के तो गाइस ये भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमारे पास एक डेट शीट आई है तो क्या वो ओरिजिनल डेट शीट है, क्या हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्या हम उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर के जाएं। सो गाइस वन बाय वन इन सारे सवालों का जवाब हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सो इसी तरीके से एनआईएस इन्फॉर्मेशन के लिए, टीएमए के सोल्यूशन के लिए, प्रैक्टिकल की तैयारी के लिए और बाकी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल जाए। सो गाइस बात करते हैं सबसे पहले डेटशीट की। सो आपकी डेटशीट कब आएगी या फिर कब चांसेस हैं आपके एग्जाम होने के। सो गाइस अगर अभी मैं बात करूं, एनआईएस की तरफ से कोई भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, आपकी कोई भी ऑफिशियल डेटशीट अभी तक नहीं आई है, आपका एग्जाम की डेटशीट नहीं आई है। तो बिल्कुल ना मान के चलिए, अभी तक डेटशीट को लेकर आपकी किसी भी तरीके से ऑफिशियल डेटशीट नहीं आई है। कुछ बच्चे जो इधर उधर से फॉरवर्ड कर रहे हैं फेक डेटशीट को, तो मार्केट में ऐसी उल्टी सीधी फेक डेटशीट भी घूम रही है, लेकिन उन पर आपको बिल्कुल भी अभी ट्रस्ट नहीं करना। जो बच्चे इस तरीके की डेटशीट को फॉरवर्ड कर रहे हैं आप उनके पास भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि अभी डेटशीट नहीं आई आप लोगों की। आप बच्चों को पैनिक मत करिए, आप खुद भी पैनिक मत हुई और दूसरों को भी पैनिक मत करिए। सो फेक डेटशीट पर अभी फिलहाल आपको कोई बिलीव नहीं करना, फिलहाल के बाद में भी नहीं करना। जब ओरिजिनल डेटशीट आएगी तो तुरंत मैं वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगी, तुरंत आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो उसके लिए तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो डेटशीट तो अभी नहीं आई है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब दूसरा सवाल कि भाई डेटशीट फिर कब आएगी, एग्जाम कब होंगे। सो गाइस आपकी जो डेटशीट है वो आएगी आपकी मई में आप लोगों की डेटशीट आ जाएगी एग्जाम्स की, और जून में जाकर आप लोगों के होंगे एग्जाम्स। जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों के प्रैक्टिकल्स होंगे, मतलब जून के पहले वीक में, और फिर जून में प्रैक्टिकल के बाद आपके जो है जून के अंदर अंदर ही आपके फिर एग्जाम हो जाएंगे थ्योरी वाले। सो आपके मई में डेटशीट आनी है और जून में आपके पेपर होने हैं। उससे पहले आप किसी भी इस तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दें कि भी डेटशीट आ गई है, परेशान ना हो। सो गाइज थोड़ा सा आप तसल्ली रखिए, थोड़ा सा वेट करिए अपनी डेट शीट को लेकर, लेकिन आप वेट नहीं कर सकते अपनी प्रिपरेशन को लेकर, क्योंकि आप मान के चलो आपके पास एक से डेढ़ महीना, भाई आपके पास अप्रैल है, अप्रैल के बाद आपके पास मई है, मई में तो डेट शीट आनी है, चाहे शुरू में आ जाए या फिर बीच में आए। तो आप मान के चलो आपके पास केवल एक से डेढ़ महीना है, उसमें आपको अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से करनी है। सो गाइस आप अपनी प्रिपरेशन में कोई कंजूसी मत रखिए, आप अपनी तैयारी में कोई भी कमी मत रखिए, बस डेट शीट को लेकर पैनिक मत हुई है। डेट शीट आपकी आ जाएगी, ये बिल्कुल श्योर है कि आपके पेपर जून में ही होने हैं, ठीक है। तो आपके पेपर जून में ही होने हैं ये बात तो आप मान के चलो, लेकिन डेट शीट को लेकर आप पैनिक मत हो। डेट शीट तो भाई आनी ही आनी है, उसकी टेंशन आप मत लो, आप टेंशन लो अपनी प्रिपरेशन की। सो गाइस आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखो। सबसे पहले आप ये देखो कि आप जिस भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो उसका पेपर कैसा आता है, उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितना थ्योरी का परसेंटेज है उसमें, कितना प्रैक्टिकल की है, मतलब आपका कोई सब्जेक्ट है कितना तो उसमें नंबर थ्योरी के आपको मिलने वाले हैं, कितना प्रैक्टिकल के मिलने वाले हैं। सो गाइस आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे लेकर के जाओ, बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी करो, डेट शीट की टेंशन मत लो, डेट शीट तो आनी है तो वो तो आ ही जाएगी, ठीक है। आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए। बाकी सभी बच्चे अपनी प्रैक्टिकल फाइल फटाफट से बना लें, क्योंकि उसको बनाने में भी टाइम लगता है, प्रैक्टिकल्स काफी लंबे लंबे होते हैं, फिर उनको डेकोरेट वगैरह भी करना होता है। तो प्रैक्टिकल जैसे ही आपके होंगे आपको प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करनी है। प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होगा, प्रैक्टिकल फाइल कैसे सबमिट करें, कैसे डेकोरेट करें, तो ये वीडियो भी मैं जल्द ही लेकर के आऊंगी। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस टॉपिक में आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। सो आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल तैयार करिए, आप अपने सिलेबस की तैयारी भरपूर तरीके से और अच्छे तरीके से जोश के साथ लग जाइए, क्योंकि गाइस अभी आप जो है ना, अब आप अपने आप से कोई बहाना नहीं बना सकते कि भाई हमारे पास तो बहुत टाइम है। टाइम कहाँ है भाई आपके पास, मुश्किल से आपके पास एक से डेढ़ महीना है। तो उस एक डेढ़ महीने को अच्छे से यूटिलाइज करिए, अपना रात दिन लग जाइए पढ़ाई में, अच्छे से पढ़ाई करिए अपनी, बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिन बच्चों ने अभी तक अपनी बुक खोल के नहीं देखी है, जिनको अभी तक अपना सिलेबस नहीं पता है, अब तो उनके लिए तो बिल्कुल हाई टाइम है। फटाफट से आप जो है तैयार हो जाओ एकदम से,
टूट पड़ो अपने सिलेबस पर। तो बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी करिए, सिलेबस जानिए, आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए। बाकी हमारे चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट चल रही हैं, उनके थ्रू आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अभी हिंदी मीडियम हम लोग 10th का भी और 12th का भी काफी सारे सब्जेक्ट्स की हमने प्लेलिस्ट शुरू कर रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, उनके थ्रू आप अपनी अच्छे से तैयारी करिए। और इसके अलावा गाइस अगर आपको इंग्लिश की बेहतरीन और अच्छी तैयारी करनी है तो आप उसके लिए मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, वहां पर आपको के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ग्रामर रीडिंग राइटिंग सारे सेक्शन चल रहे हैं। सो दूसरे चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम मतलब बाय मी, तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपनी इंग्लिश की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बाकी सारे सब्जेक्ट तो यहाँ पर पाई स्टडी सर्कल चैनल पर चल ही रहे हैं। और गाइस अगर आपको कोई भी डेटशीट को लेकर इस तरीके की फेक न्यूज आए, अभी किसी भी डेटशीट पर आप जो है इनो बिलीव मत करिए, थोड़ा सा वेट करिए, मई में आपकी डेटशीट आ जाएगी। कहीं कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे कमेंट से ही पता चलता है आप लोग को कहाँ डाउट आ रहा है, आपकी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। इसके अलावा अपने जितने भी कच्चे पक्के फ्रेंड्स हैं आपके, उन सभी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले कि भाई अभी डेटशीट नहीं आई, थोड़ा सा वेट करो, डेटशीट आ जाएगी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूं। चलिए गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कंजूसी मत किया करो, छोटा सा लाइक कर दिया करो, तो लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिल जाता है, बाकी मेरी पूरी टीम को भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय स्टडी, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।